नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। शिवसेना सांसद संजय राउत की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ी हुई हैं, किसी से छिपा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनको ईडी की हिरासत में रखा गया था और इस कस्टडी को अब 5 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि 8 अगस्त तक संजय राउत ईडी की हिरासत में रहेंगे। एक तरफ उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, उन पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, घोटाले का आरोप लग रहा है। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर ये सामने आई है कि अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को भी समन जारी कर दिया है और आने वाले वक्त में उनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर ईडी ने तलब किया है, सवाल जवाब किए जाएंगे और बताया जा रहा है कि ये मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही है। पात्रा चौल जमीन घोटाले में ही वर्षा राउत को तलब किया गया है। इससे पहले वर्षा राउत से ईडी ने दिसंबर 2020 में एक बार पीएमसी बैंक घोटाले मामले में भी पूछताछ की थी। उस दौरान प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी राउत के जरिए उनके खाते में 55 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाने के संबंध में पूछताछ हुई थी। वो मामला रफा दफा हुआ, बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं हुई, लेकिन इस बार संजय राउत ऐसा लग रहा है जैसे रडार पर है ईडी की और साथ ही साथ उनका परिवार भी। तभी तो संजय राउत को कस्टडी में रखने के बाद अब नंबर आया है वर्षा राउत का और उनसे भी अब ईडी पूछताछ करेगी। इधर संजय राउत के भाई सुनील राउत ने कहा है कि ईडी द्वारा दिखाए गए सभी लेन देन वैध हैं, हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। कोर्ट ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। संजय राउत बाला साहेब ठाकरे के सच्चे शिव सैनिक हैं, वो कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, बीजेपी उनसे डरती है। ये कहना है संजय राउत के भाई का, यानी बयानबाजी खूब हो रही है लेकिन जो आरोप हैं वो भी कहीं ना कहीं सच साबित होते हुए नजर आ रही हैं। आने वाले वक्त में संजय राउत की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, वही संजय राउत का हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। कस्टडी में है लेकिन शिकायत कर रहे हैं जज के सामने कि मुझे जिस कमरे में रखा गया है वहां पर खिड़की नहीं है, वेंटिलेशन का कोई जुगाड़ नहीं है। जिसके बाद वकील ने भी फिर अपनी दलीलें पेश की और कहा कि जब वो एसी रूम है तो उसमें खिड़की का क्या मतलब। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर भी संजय राउत को बहुत मुश्किलें हो रही हैं, असली मुश्किलें आनी अभी बाकी हैं ऐसा लग रहा है। खैर, देखना होगा ईडी का चाबुक संजय राउत पर किस तरीके से चलता है और साथ ही साथ उनके परिवार को भी आने वाले वक्त में किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।